हेलो फ्रेंड्स, मैं पम्मी कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज पराठा, जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए लेंगे एक बाउल में 2 कप गेहूं का आटा, आधा चम्मच डालेंगे अजवाइन, इसे हम क्रश करके लेंगे ताकि इसका फ्लेवर हमारे नाश्ते में आ सके। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, 2 चम्मच डालेंगे रिफाइंड की जगह आप घी भी डाल सकते हैं, 2 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 कद्दूकस किया हुआ गाजर, थोड़ी से डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ती, 2 डालेंगे हरी मिर्च, इसको भी हम बहुत बारीक काट लिए हैं, 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। अब आलू को हम कद्दूकस कर देंगे ताकि इसमें गुठलियां ना रहे। अब सारा सामान को हम अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे, फिर जितना जरूरत पड़ेगा हम पानी डालेंगे। इस तरह से मलमल के मिला लेंगे ताकि आलू कद्दूकस करते समय इकट्ठा होता है ना, तो अच्छी तरह से मिल जाए। बढ़िया से सारा कुछ मिल गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार करेंगे। एक और पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो गीला हो जाएगा। डो बन जाने के बाद थोड़ी देर और इसे मसल मसल के मिला लेंगे, क्योंकि छोड़ेंगे तो इसमें से प्याज से पानी छोड़ जाएगा और डो हमारा गीला हो जाएगा तो नाश्ता हमारा ठीक नहीं बनेगा। डो बन के तैयार हो गई है। अब हम हाथ को क्लीन कर लेते हैं। अब हम हाथ को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और इसे थोड़ा सा आटा लेके इसके पेड़े बना लेंगे, क्योंकि इसमें आलू डला हुआ है तो ये चिपचिपा हो सकता है। ये देखिए फ्रेंड, कितना चिकना बन के तैयार हो गया है। और इसी तरह हम सारे पेड़े बना लेंगे। अब हम पेड़े में थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिए हैं और इसे हम बेल देंगे। थोड़े से हम बीच में रिफाइंड डाल देंगे और फिर इसे इस तरह से मोड़ देंगे, फिर से रिफाइंड लगा देंगे और इसे इस तरह से मोड़ देंगे। ये चौकोर बन गया। बच्चे को तो इसी तरह पसंद आते हैं, गोल चौकोर या तिकोना। आप इस तरह डिजाइन बना के बच्चों को खिला सकते हैं। फिर से सूखा आटा लगा के इसे बेल लेंगे। ना ज्यादा पतला बेले हैं ना ज्यादा मोटा। अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं और भी बेल लेते हैं इसी तरह। अब हम चढ़ा दिए तवा, आंच को हम मीडियम रखे हैं। अब ये पराठे डाल देते हैं और एक तरफ से इसको सिकने देते हैं। एक तरफ से हो गया, इसे हम पलट लेंगे। ये पराठे आप अचार के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं। इस पराठे में सब्जी की कोई जरूरत नहीं है। इधर भी पलट के देख लेते हैं, इस तरफ से भी देखिए हो गया है। अब इसमें लगा देंगे रिफाइंड, आप बटर या घी भी लगा सकते हैं और इसे हम पलट लेंगे। इधर और लगा देते हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीख गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह और भी बना लेंगे। नाश्ते सारे बन गए हैं। इसे हम सर्व करेंगे मिर्ची के अचार के साथ। इसकी वीडियो हम शेयर कर चुके हैं आप लोगों के साथ, और हरे पत्ते वाली लहसुन के चटनी के साथ, इसकी भी वीडियो आप लोग के साथ हम शेयर कर चुके हैं। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।